देखो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरेज ना, इसमें भी हम लोग, मैं आप लोगों को तीन क्लास मोस्ट प्रॉब्ली लूंगा और ट्राई करेंगे कि एक्सरे से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं चाहे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब समझेंगे। एक्सरे रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जो हम लोग पढ़े थे पिछला वाला चैप्टर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है। किस मामले में रिवर्स प्रोसेस है? उसमें हम लोग देखे थे रेडिएशन इंसिडेंट हुआ था तो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे तो उसका स्टडी किए थे, फोटोइलेक्ट्रिक करेंट, फोटोइलेक्ट्रॉन्स और ये सब ना, मतलब रेडिएशन के इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड थे, इमिट हुए थे तो उनकी उनके बारे में उनकी चर्चा किए थे। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे टारगेट मेटल को तो रेडिएशन निकलेगा, उसका स्टडी करेंगे। और जो रेडिएशन निकलता है वो यदि हाई एनर्जी का होगा एट द लेवल ऑफ व्हाट एक्सरेज, तो हम लोग फिर कहेंगे कि हाँ ये एक्सरे है, नहीं तो ऐसे तो कम एनर्जी का भी निकल सकता है, एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जी का निकल सकता है, हालांकि चांस बहुत कम है क्योंकि ऐसे मेटल तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे और गामा रेज निकाल दे, है ना। तो एक तो पहले मॉडल में तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, एनर्जी का ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सरे, अच्छा एक्सरे नाम क्यों पड़ा? एक्स स्टैंड्स फॉर अननोन, जैसे आप मैथ्स में एक्स वाई पढ़ते हैं तो वैसे ही, अच्छा डिस्कवर्ड बाई, WC, अच्छा ये जर्मन साइंटिस्ट थे इसलिए इस तरह के वहां पे यूज होते हैं डबल डॉट सिंगल डॉट, ऐसे बहुत सारे रोंजन बोलते हैं इनको, रोंटगन बोलते हैं इसे, तो जर्मन में से रोंटगन बोलते हैं। कुछ लोग इसको डॉट, क्योंकि इंग्लिश में तो ये डॉट चलता नहीं है तो कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? विल्हेल्म। तो शॉर्ट में चलता है WC रोंटगन ये। अच्छा ईयर इन 1895, लेकिन ये भले ही इतने बाद में डिस्कवर हुआ हो लेकिन शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, 25-30 साल पहले ही ऐसे 1869 में क्रूक्स ट्यूब्स वैसे 75 में ही डिस्कवर हो गया था, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया था इस तरह के प्रभाव का, लेकिन नाम तो एक्सरे नहीं पड़ा था, एक्सरे तो यही रोंटगन ने दिया था। बीच में बहुत सारे सीरीज ऑफ साइंटिस्ट आए, एक्सपेरिमेंट किए, उनमें नाम है लिनार्ड का, फराडे तक का नाम है, हर्ट्ज, थॉमसन, ये बहुत सारे लोग थे जो कुलीज, क्रूक, तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह का प्रभाव देखा, लेकिन प्रॉब्लम किस बात की थी? उस समय चीजें डिस्कवर नहीं थी बहुत सारे, तो इसलिए इनविजिबल भी थी। एक्सरे जैसा कि नाम बताया, एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्स अननोन ना, जैसे हम लोग मैथ्स में एक्स वाई को अननोन मानते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स ऐसे ना। तो जब एक्सपेरिमेंट किए थे कुलीज ट्यूब में, कुलीज ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सेटअप इस तरह का लिड ग्लास का उन्होंने बनाया था, वैक्यूम ट्यूब, जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए मॉडर्न के,
तो उन्हीं के नाम पे कूलिस ट्यूब भी पड़ा, हालांकि दोनों से क्रुक्स ट्यूब वो तो 1875 में ही डिस्कवर हो गया था, लेकिन कूलिस ट्यूब ज्यादा पॉपुलर है इनके लिए एक्सरे के लिए। तो वो कैथोड रेज का के कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्राई कर रहे थे अंडरस्टैंड करने की, सोचने ट्राई कर रहे थे कि क्या क्या उसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन वो एक ब्लैक पेपर कवर्ड या कॉपी पेजेस कवर्ड पर पैड जो फोटो सेंसिटिव प्लेट से वो रखे हुए थे साइड में। बाद में जब उसको खोले तो फॉग्ड था, मतलब वो ग्रीन से जैसा था फंगस टाइप का लगा हुआ, डिफरेंट कलर चेंज हो गया था, इंप्रेशन पड़ गया था, तो दिखा तो था नहीं उनको। वो देखे कि हम तो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, ये देख रहे कुछ और हो गया, तो उनको समझ में नहीं आया क्योंकि एक्सरे इनविजिबल है, ये विजिबल रेंज में तो आती नहीं है। तो फिर से उनको ये लगा कि शायद इसी ट्यूब से चीजें हुई होंगी, जो हाई लेवल एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक किए होंगे तो कुछ हुआ होगा। तो समझ नहीं पाए थे कि वेव्स हैं कि पार्टिकल हैं। ये दिक्कत न्यूटन को भी हुई थी, जो कॉर्पस्किस टाइम के जिस समय बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बने नहीं थे उस समय ये बातें चल रही हैं, मतलब आप 19th सेंचुरी के एंड में। तो वो नहीं समझ पाए थे तो उसका क्या नाम दिए, लेट इट बी व्हाट एक्सरेज, दैट मे बी सीरीज ऑफ पार्टिकल्स और सीरीज ऑफ वेव्स पल्स, है ना। तो वो समझ नहीं पाया, तो इसीलिए अच्छा ये देखिए उस अननोन के नाम पे एक्सरे रखे और एक्सरे पड़ी गया, हालांकि गांव में एक्सरा कहते हैं इसको सब, एक्सरा करवाए हैं। तो रा नहीं होता है, रेज होता है, एक्सरे होता है। एक तो ये है, दूसरा हमें लगता है कि आप लोगों को इसके ऑर्डर भी समझने चाहिए। यदि मैं ऑर्डर यहीं पे बना दूं, पहले थोड़ा बहुत पहले यहीं पे ऑर्डर बना लेते हैं, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी एक फोटो है जिसमें सारे ऑर्डर्स रेंज दिए हुए हैं, फिर भी लिखने से ज़्यादा इफेक्टिव लगता है बच्चों को, इसलिए मैं बना रहा हूँ। यदि हम लोग यहाँ पे विजिबल रेंज कहें तो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है आप लोगों को पता ही होगा। हाँ अच्छा, इधर हम लोग इधर कर लेते हैं, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, ना एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजिंग। अच्छा ऑब्वियसली, तो इधर क्या होगा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। फिर से हालांकि मैं फोटोमेट्री में और हर जगह कई जगह बताया हूं इंक्रीजिंग लेमडा, तो यहां पे विजिबल रेंज है, तो जल्दी से बताओ इसके बगल में यदि विजिबल रेंज है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये कौन से कलर होंगे, विवग्योर ना, ऐसे सही है, क्योंकि रेड यहां पर है, ज्यादा वेवलेंथ है, तो जरूर ये रेंज किसका होगा, इंफ्रारेड का होगा, किसका होगा, फिर यहां पे किसका होगा। अच्छा, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, ये भी समझो। यदि मैं कहूं कि 7000 एंगस्ट्रॉम का रेड वाला दिख रहा है तो मैं कहूंगा 7001 एंगस्ट्रॉम, तो अचानक गायब थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो, मतलब समझने की कोशिश करो, कोई भी फाइन बाउंड्री नहीं है। यही रीजन है कि आप हमसे पूछेंगे सर एक्सरे का ऑर्डर बताइए, तो मैं कह दूंगा ऐसा है कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसको ऐसे कर लेंगे रेंज के नाम पे, तो कह देंगे 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम। इस 100 एंगस्ट्रॉम का 0.1 का ये मतलब नहीं है कि 0.1 से थोड़ा कम होता है एक्सरेज गया, ऐसा तो है नहीं। वो धीरे धीरे गामा कहेंगे, पता नहीं कहां गामा कह देंगे, कोई भरोसा तो है नहीं। सो इसीलिए रेंज की बात होती है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। पर एक खोपड़े में बैठा लो आज, यदि मैं कहूं कि 7000 विजिबल रेंज, 3000 से 7000, इसका मतलब 7001 विजिबल रेंज में नहीं आता, आता है।
7002 7003। अच्छा, एक एक बढ़ाता रहूंगा तो बोल नहीं पाए कब नहीं आता है, जरा सोचना इस पे, अच्छा लगेगा। और करते करते मैं आपको इंफ्रारेड में पहुंचा दूंगा और पता नहीं चलेगा आपको, तो ये भी समझना होगा। मतलब कोई डिस्क्रीट ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई फाइन बाउंड्री नहीं है, डिस्क्रीटनेस नहीं है। हाँ, ये इधर ऐसा नहीं है। एक तो ये पॉइंट है, तो ये कौन सा रेंज है? माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। ये कौन सा है? माइक्रो। ये कौन सा है? रेडियो। अच्छा, ये जो रेडियो वेव है ना, रेडियो वेव का ऑर्डर, अच्छा रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है वो भी, पर उनका वेवलेंथ किलोमीटर्स होते हैं। मतलब इसके बाद सब रेडियो वेव है, 100 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर सब रेडियो वेव है, ये भी समझिए। अच्छा, यदि यहां से वॉयलेट है यहां पर, तो कोई फाइन बाउंड्री तो है नहीं। मान लेते हैं कि 3000 एंगस्ट्रॉम वॉयलेट है, तो ऐसा थोड़ी है कि 2999 जो 2999 जो एंगस्ट्रॉम है उसको हम लोग वॉयलेट नहीं कहेंगे, वॉयलेट ही कहेंगे। और एक एक कम करते रहेंगे, आपको पता नहीं है, धीरे धीरे अल्ट्रा की तरफ जाएगा। इसीलिए ये कौन सा रेंज है? ये वाला अल्ट्रा वॉयलेट है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक विजिबल रेंज है जिसमें वॉयलेट और रेड है, तो वॉयलेट के बगल में ही अल्ट्रा वॉयलेट होगा और रेड के बगल में ही इंफ्रा रेड होगा। एक तो ये भी पॉइंट है जो याद रख सकते हैं। इसका कोई कहेगा अल्ट्रा वॉयलेट का रेंज बताओ, इसका रेंज हो गया ना। अच्छा, इंफ्रा रेड का रेंज बताओ, तो ऐसे ही जनरली इंफ्रा रेड का रेंज बताओ। यदि मैं इसको, इस बाउंड्री को कहूं 3000 एंगस्ट्रॉम कहूं, अच्छा 3000 एंगस्ट्रॉम कहूं चाहे 300 नैनोमीटर, एक ही बात है। और ये वायलेट को क्या कहूं? अच्छा ये कौन सा था यार, 7000 ना, ये 7000 है, ये 3000 है। तो बताओ इंफ्रारेड का क्या होगा, बताओ इंफ्रारेड का रेंज बताओ, 7000 से लेकर 10000 तक। माइक्रो का 10000 से 20000, 50000 रख लो, माइक्रो का और ज्यादा रख लो, रेडियो का किलोमीटर्स में रख लो ऐसे ना। सिमिलरली अल्ट्रा वायलेट का बताओ, वायलेट का तो 3000 है, तो अल्ट्रा वायलेट का बताओ कहां से कहां तक। तो आप कह सकते हैं कि 3000 से लेकर और कितने तक अल्ट्रा वायलेट कहा जाए। अच्छा, इसके बाद पहले बाउंड्री बना लेते हैं, तब लगभग याद करते हैं ना। बताओ ये इसके बाद क्या आएगा, एक्सरे, इसके बाद क्या आएगा, गामा रेज, और इसके बाद क्या आएगा, कॉस्मिक, कॉस्मिक। अच्छा, ये सारे गामा रेज से लेकर रेडियो वेव तक सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, पर कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते। एक तो ये पॉइंट जान लो, भले ही इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, भले ही इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेमडा बहुत कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते। कैसे जनरेट होते हैं कॉस्मिक, जो कॉस्मिक बैटल्स बोलते हैं कि गामा रेज रेडियोएक्टिविटी में रिलीज होता है। ये नॉर्मल सा, ये जो एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं एक्सरे के लिए, उसमें तो होगा भी नहीं शायद, है ना। तो ये सब न्यूक्लियस के फिजन फ्यूजन में रिलीज होने वाले हैं। कॉस्मिक बैटल कहा जाता है यूनिवर्स के क्रिएशन में, गैलेक्सीज और जो शुरू शुरू में जो फ्यूज हो रहे थे, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब चीजें बन रहे थे, उस समय कॉस्मिक बैटल की बात होती है, ठीक है। तो पर वो तो ये कौन से, किस तरह के एनर्जेटिक फॉर्म है ये कॉस्मिक रेज? रियली में क्या होते हैं ये? प्लाज्मा स्टेट में न्यूक्लियस फोटोन के सीरीज होते हैं, फोटोन के मोशन होते हैं, ब्रेक कर जाता है,
बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन बाकी सब इसके अलावा सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक तो ये, अब बताओ एक्सरे को कहां से कहां तक माना जाए? एक्सरे को आपको मैं बताया था कि पॉइंट वन एंगस्ट्रॉम। अच्छा इधर लेमडा इधर ज्यादा है ना, तो इधर इधर क्या कर ले, 100 कर लेते हैं, 100 एंगस्ट्रॉम, और ये वाला 0.1 एंगस्ट्रॉम या 0.01 इसी तरह का। तो ऑब्वियसली तो बताओ अल्ट्रावायलेट को क्या माने? इसका मतलब अल्ट्रावायलेट को 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम, तो एक लंबा सा रेंज मान सकते हैं। थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेंगे इधर कि नहीं, एक्सरे हम लोग 200 मानेंगे, तो चलिए ठीक है 200 भी। इधर कहेंगे नहीं इसको 0.1 नहीं, इसको 0.001 तक भी मानेंगे, चलिए ठीक है वो भी। एक्सरे, अच्छा ये गामा रेज, फिर इधर और ज्यादा एनर्जी वाला, ठीक है। मैं इसलिए सब बातें कर रहा हूं क्योंकि जब तक ये वाला ऑर्डर आपको याद नहीं रहेगा इस तरह की बातें, तो हम लोग कहीं पे चीजों को सोच नहीं पाएंगे। तो ये वाला लिख लिया आप लोग, जल्दी से लिख लिए ये वाला जो डेटा है। एक तो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये एक्सरे इनविजिबल रेंज वाली बातें हैं, मतलब एक्सरे दिखती नहीं है, बहुत हाईली हाई एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। ऑब्जर्व कर लिया गया था बहुत पहले ही, लेकिन एक्सपेरिमेंट और इसका नाम और अच्छे से सेटअप करके उन्होंने यूजफुल इसको बताया था वो रोंगन थे, और 1895 में हुआ था। आपका मन करता तो ये भी नहीं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इससे पहले तो मैं लिखवा चुका हूँ, ये हर चैप्टर में इसको ध्यान दिया जाना चाहिए, इसके वैल्यूज को। तो हम लोग ये वाली बातें, अच्छा मॉडर्न का मतलब है इन्हीं सब की बातें पढ़ना जो आपके सामने ये लिखा हुआ है ऑर्डर्स। अच्छा ये जो लाइट है, ये जो आ रही है लाइट, ये किस रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली है? वेवलेंथ तो बता दिया आप लोग, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली है ये? अरे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताओ, जैसे ये मैं वेवलेंथ का ऑर्डर बताया हूं ना, ये तो ये आइडिया होना चाहिए कि जो हम लोग मॉडर्न में पढ़ रहे हैं वो ऑर्डर कौन सा है फ्रीक्वेंसी वाली। नहीं वैल्यू बताओ, मैं इसलिए वैल्यू बता रहा हूं, निकाल तो सकते हो, लेकिन जैसे मैं कहता हूं बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम में, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट पाश्चन, ये सब तो किस ऑर्डर में आएंगे देख के भी तो बता सकते फटाक से, यदि ऑर्डर याद रहेगा तो विजिबल रेंज का ऑर्डर क्या होता है बताओ? जो हम लोग जिस लाइट को यूज करके हम दुनिया देखते हैं उनके फोटोन की फ्रिक्वेंसी क्या ऑर्डर होता है? 10^14, 15। मैं तो कहूंगा बल्कि लिख भी देना चाहिए आप लोगों को। विजिबल रेंज का फ्रीक्वेंसी ऑर्डर क्या होता है? 10^14 ऐसे, 14, 15 हर्ट्ज। ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है विजिबल रेंज का। ऑब्वियसली यदि ऐसा ये ऑर्डर है तो जरूर अल्ट्रावायलेट का क्या होगा? 10^16, 17 होगा। और एक्सरे का क्या होगा यार? 10^18, 19 ऐसे ना। गामा रेज का क्या होगा? 24 ऐसे। कॉस्मिक रेज का ये ऑर्डर भी जरूरी है। अच्छा इसका क्या, इंफ्रारेड का क्या होगा यार?
इंफ्रारेड का क्या ऑर्डर होगा? बारह बारह ग्यारह ऐसे। अच्छा, ये ऑर्डर रहने, ऑर्डर का याद रहने से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाएगी। कहीं कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए इस ऑर्डर में नहीं आ रहा है, तो आपको आइडिया लगेगा ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गया पावर। अच्छा, पावर में बहुत मिस्टेक होता है, मॉडल में बता रहा हूँ। तो कम से कम ऑर्डर याद रहेगा तो हेल्प मिल जाएगी आपको। अब हमको ये बताओ कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो किस ऑर्डर की होती है? ये जो हम लोग लाइट यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए, जिसके लिए हमारी आई सेंसिटिव है विजिबल रेंज के लिए, एक्सरे जाएगा तो ये कहेगा कुछ नहीं आया है आंख में। चाहे एक्सरे इस रूम में पूरा भरा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, डार्क रहेगा, कुछ नजर नहीं आएगा। जबकि ज्यादा एनर्जी है, जितना विजिबल रेंज वाला ये जो बल्ब बल्ब लगा हुआ है, जितनी एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी तब रहेगी जब इसमें एक्सरेज मौजूद रहेंगे बहुत भारी भारी मात्रा में, लेकिन नजर कुछ नहीं आएगा आपको, एनर्जी ज्यादा है। गामा रेस तो और ज्यादा एनर्जी रहेगी और नजर नहीं आएगा, और कुछ देर में कैंसर वैंसर होकर छटपटा के मर भी जाएंगे आप, दिक्कत भी हो जाएगा। एक्सरे से ही दिक्कत होने लगा था, जिस समय ये खोज हुआ था, डिस्कवरी हुई थी, तो लोगों को खेल टाइप का लगा था। और खासकर रोंटगन ने बताया था कि इससे हम लोग बहुत इजीली जो मसल्स है उसको पेनिट्रेट कर जाता है, बोन्स के लिए दिक्कत होती है, तो इमेजेस लेने लगे। सबसे पहले अपने वाइफ पे एक्सपेरिमेंट किए थे, यही बड़ा दिक्कत है उनके हैंड का। तो कुछ दिन में मजाक के तौर पे अंदर की चीजों को देखने के लिए सब चेस्ट का एक्सरे, लेग्स का लेने लगे। बहुत दिनों बाद पता लगे कि इसके इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं, और इतना फोकस करके एक्सरे लगे कि कई लोगों का चेस्ट में अंदर में होल बन गया, जल गया अंदर वाला पार्ट। तो कितने लोग सैक्रिफाइस किए हैं, तो हम लोग इतने आगे एडवांसमेंट हुआ है बायोलॉजी और मेडिकल साइंस। तो अच्छा, ये इन सब का तो बताया ही यार, ये कि ये किस ऑर्डर का होता है? किलोमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स, ये मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। अच्छा, नाम भी तो माइक्रो है यार, माइक्रो माइक्रो तो वही वाला, सेंटीमीटर माइक्रोमीटर मिलीमीटर, यही ऑर्डर होगा इन सबका। हाँ, आप लोग बताए नहीं, ये जो फोटोन हम लोग यूज करते हैं जो विजिबल रेंज का है, एनर्जी वाला होता माइनस तो 10^10 कुछ बोलोगे समझ में आता है। अच्छा, जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। अरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ताजा ताजा पढ़े हो, हाँ बिल्कुल सही है। 4-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वही वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि आपको लिख लेना चाहिए जल्दी से, ये वाला लिख लो, किस रेंज के विजिबल रेंज वाले हैं? टू टू टेन लिख लो सर, यही ऑर्डर है इनका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3-4-5-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑर्डर है जिनको यूज करके हम दुनिया देखते हैं। तो ऑब्वियसली जल्दी से बताओ, यदि विजिबल रेंज का ये है तो अल्ट्रा वायलेट का जरूर ज्यादा होगा एनर्जी। किस ऑर्डर के होंगे सर? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अल्ट्रा वायलेट 50 रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, 10 से 100 रख लेते हैं ना, ऐसा ऐसे रख रहा हूं जैसे हम लोग के बस में है, चलो रख लो ऐसे ही। एक्सरे वाला कितना होगा यार? हाँ, एक्सरे 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1,00,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सरे, इसको कितना रख ले? 10^8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही रीजन है कि इसी चैप्टर के जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियोएक्टिविटी, जिसमें हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ेंगे। कॉस्मिक वाला जल्दी से फटाफट लिख लो, बाद में तुम लोग जल्दी से लिख लो। अच्छा, ये ऑर्डर भी
ये ऑर्डर मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप महसूस कर सकें कि जो हम लोग फोटोन का जो कैलकुलेशन होगा वो नियरली थोड़ा आइडिया लगे, है ना। आइडिया रहेगा तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा समझ पाना कि जो कैलकुलेट किए हैं ठीक है, किस ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में है। अच्छा, ये जितने भी, यदि मैं इसको कॉस्मिक रेज को छोड़ दूं तो बाकी सबकी स्पीड सेम है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो सबका स्पीड तो सेम है, पर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी सब अलग अलग है। ठीक है, तो ऑर्डर लिख लिया आप लोग, ऑर्डर लिख लो अलग से, ऐसे इसी मत करो जैसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तुम लोग अलग से लिख लेना थोड़ा ऑर्डर ऐसे। मेरे पास, मैं नहीं सोच रहा, मैं सोचा कि इसको मिटाने से ज्यादा अच्छा ऐसे ही लिख दूं, आप लोग भी ऐसे काट काट के मत लिख लीजिएगा। इससे पहले कि मैं डिटेल में, जिस पे बेस्ड आईटी जेई में नीट में क्वेश्चंस आते हैं उसको, सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर ले, समझ जाए, उससे पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप देख लेते हैं और फिर मैं बताता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ध्यान सुनना, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था ये वही वाली बात है ना, एनर्जी वाला, वेवलेंथ वाला जो मैं आपको समझा रहा था। ये कौन सा वाला यार, वही अच्छा, ये देखो ये वेवलेंथ वाला जो कंप्रेस होता जा रहा है, ये मैं दिखाना, ये देखो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस चेंज है ना, ग्रेजुअल इंक्रीज है ये वेवलेंथ का। इसका सेंस ये है कि कोई फाइन बाउंड्री नहीं होता, राइट। ये देखो ये कलरफुल है, लेकिन ये एक्सरे इनविजिबल टाइप का एक एक्सप्रेशन है, ये विजिबल लाइट का है, ये अल्ट्रा वायलेट है जो वायलेट का एक ही कलर टाइप का है, और ये उस ऑर्डर का है जिसमें एक्सरे, जिसको हम लोग यूज करके चीजें देख नहीं पाते, ये वाला हम लोग बाद में देखेंगे जब मैं पढ़ा लूंगा आपको, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं अभी समझाऊंगा ना, फिलहाल डायनेमिक स्टेट में देख लेते हैं। एक फिलामेंट होता है जिसको हीट करते हैं, फिलामेंट को हीट करते हैं डीसी वोल्ट से, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट से हम लोग हीट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट से ऐसे मेटल यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, थर्मियोनिक या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इमिट होते हैं, बहुत हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट किए जाते हैं। ये ऑर्डर होता है 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50K इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 50,000 से लेकर 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम लोग इसके क्रॉस अप्लाई करते हैं। अब दोनों ही तरह के एप्लीकेशन आ चुके हैं, डीसी और एसी। एसी में जिस समय यहाँ पर निगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं, अगले साइकिल में ऐसा नहीं होता, उतने ही देर में एक्सेलरेट भी हो जाते हैं, बहुत कम डिस्टेंस भी होता है। डीसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमेशा ही निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं यहां पे हाई एटॉमिक नंबर के प्लेट कनेक्टेड होते हैं कॉपर रॉड से, ये एक कॉपर रॉड है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है ये, इसमें एक प्लेट होता है हाई एटॉमिक नंबर जैसे टंगस्टन, मॉलिब्डेनम और ऐसे, और इसको जाके स्ट्राइक करता है। आप नॉर्मल सा कोई मेटल यूज करेंगे तो एक तो एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करेगा, अभी देखें क्यों एक्सरे प्रोड्यूस होता है हाई एटॉमिक नंबर से, और दूसरा इतनी हीट जनरेट होगी कि हो सकता है वो पिघल भी जाए, क्योंकि लो एटॉमिक नंबर रहेगा। तो कॉपर एक कंडक्टर इसलिए यूज करते हैं ताकि फटाक से हीट लेके, और यहाँ पे कूलिंग सिस्टम होता है, ऑयल कूलेंट यूज करते हैं और ये फटाक से सर्कुलेट हो रहा है, पंप लगा होता है वो उसको कूल करता है, नहीं तो ये पूरा ही सिस्टम इतनी हीट जनरेट होती है
कि पिघल जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका 99% हीट में कन्वर्ट होता है। अभी और डिटेल में जाने हैं कि चीजें क्या हो रही है, प्रोसेस क्या हो रहा है, फिलहाल बस इतना सा फिर से मैं बता देता हूं, आपको याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक ही बात है, फिलामेंट से इमिट होते हैं, जाके टारगेट मेटल को स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी, ऑलमोस्ट 99% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट। 1% वाला रेडिएट करता है, हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सा वाला होता है। यहां पे देखो, ये देखो उन्हीं के वाइफ कहां थे, ये तो हो एक्सरे देखो, जब ये यूज होता है यहाँ पे, जब एक्सरे मशीन जो देखे होंगे तो अचानक यहीं से पास करता है, तो बोन्स को उतना अच्छे से पास नहीं करता, बाकी मसल्स को आसानी से ट्रांसमिट कर जाता है। प्रोसेस समझ में आ गया ये? अच्छा ये देखो कनेक्शन, देखो निगेटिव पॉजिटिव एनोड कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स किधर इलेक्ट्रॉन पे, इधर एक्सिलरेट होंगे। ये किस ऑर्डर का है, ये 1,00,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50,000, 7,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सा है, हीटर फिलामेंट को हीट करने वाला है ये, जो यहां पे है ताकि इलेक्ट्रॉन इमिट हो। प्रोसेस समझ में आ गया? इस पूरे ट्यूब को, जो ये वाला ट्यूब है, इसे कूलिश ट्यूब कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले सेटअप किया था, उन्हीं के नाम पे है ये। तो रेडी है अब इन चीजों को कि क्यों हो रहा है वहां पे, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, समझने के लिए तो समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं आगे रियली में क्या होता है। आपको पता है कि यदि हम लोग ये जो सेटअप को समझाने जा रहे हो ना, यदि हम लोग उसको अच्छे से समझ जाएं, तो बाकी जो दो क्लास होगा हम लोग उसका एप्लीकेशन पढ़ लेंगे और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, दुनिया का बता रहा हूं, जो आप नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इक्वेशन था, वैसा ही इसमें भी एक इक्वेशन है, उसी को समझ लेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो बातें होंगी यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आएगा नहीं। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो जो सेटअप था वही, वो तो डायनामिक्स था उसका, कि ताकि आपको लगे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, हिट किया उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ, जो उस ऑर्डर का था कि हम एक्सरे कहते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह है यहां पे एक सेटअप होगा, आपको याद होगा ये क्या चीज है, ये फिलामेंट है, जो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए। हम लोग इस फिलामेंट को इतना ज्यादा हीट कर देते हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव वायर है, इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसके हीटिंग इफेक्ट से इमिट होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं पता है, एक तो रब करने से, दूसरा इंडक्शन से, तीसरा फोटो वाला जो पिछला वाला चैप्टर था, और चौथा हीट करने से, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला एक पॉइंट ये है, जो हीटर है ये लो भी लिख दिया ध्यान से, ये वैक्यूम ट्यूब है, इसे कूलिश ट्यूब भी बोलते हैं। यहां पे यहां ये कॉपर रॉड है, ये कॉपर रॉड है, ये
के साथ में एक प्लेट अलग से रहता है। यदि जो मैं समझा रहा हूं यदि आप उसको अच्छे से समझ गए ना, तो इतनी ही बातें इसी तरह की बातें पूछी जाएंगी, उसके बाहर हो ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल जितना भी है एक दो क्लास में एक्सरे, अच्छा फेवरेट चैप्टर भी है जेई मेन और एडवांस वालों का। तो ये तो कॉपर रॉड है, लेकिन ये जो प्लेट अलग से यूज हुआ है ना, ये टंगस्टन है या मॉलिब्डन है, हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक जेड वाले यहां पे साथ में इसके पूरे सेटअप को यहां पे आपका मन करता है डीसी सोर्स और एसी सोर्स आपके ऊपर है, यूज कर लीजिए। आप इसको या तो ये वाला यूज कर लीजिए या तो आप ये वाला यूज कर लीजिए, लेकिन ऑर्डर किस ऑर्डर का होगा, इसको किस ऑर्डर का रखेंगे, 10 वोल्ट टू 50 वोल्ट तक ऐसे यूज कर लीजिए वोल्ट तक। लेकिन आपको इसको 60 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बल्कि यदि इसी ऑर्डर में लिखे तो कितना हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग यूज करते हैं इस लेवल का। सोचो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कितने एनर्जेटिक्स होते होंगे, कितने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और ये गए, क्यों ये एक्सेलरेट हो रहे हैं आपको पता ही है। अच्छा यहां पे एक और चीज यूज करते हैं, कॉनकेव एक यूज करते हैं, कॉनकेव प्लेट जो रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है, जिसका फोकस की तरह ये फोकस पे ये पॉइंट होते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन यदि निकले भी ना तो यहां पे लड़के यहां पे जाए तो भी लड़के यहां पे आए, यहां पे लड़के तो यहां पे आए, यहां पे लड़के फिर इधर आए, समझ आ रहा है, इसी पे आए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं और जाके इस मेटल को स्ट्राइक करते हैं, मॉलिब्डेन टंगस्टन को स्ट्राइक करते हैं। बताओ जो बहुत थोड़ी बहुत एनर्जी का इलेक्ट्रॉन की होगी वो नेग्लिजिबली स्मॉल है उसके कंपैरिजन में जो एक्सेलरेट करके उन्हें दे देगा, बताओ ये कितना एनर्जी दे देगा, 60,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने वाला है, जबकि निकल रहे होंगे तो उनके पास कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी ऑर्डर होगा। इसका मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, और इतना ज्यादा एनर्जी से अच्छा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वाला फॉर्मूला याद है काइनेटिक एनर्जी, मैं कहूंगा कि तो क्या कहेंगे आप, 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हाफ एमवी स्क्वायर, सिंपल। तो आप निकाल सकते हैं कितना स्पीड होगा, राइट। इसको हम बदल के इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को बदलेंगे, इसको हम बदल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड की संख्या बदल लेंगे, ज्यादा यूज करेंगे इसको इंक्रीज करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, कम करेंगे तो कम हो जाएगी, इसको बढ़ा देंगे तो ज्यादा एनर्जी से और ज्यादा तो बहुत ज्यादा है ना, उसमें बहुत जल्दी पहुंचेगा नहीं, बल्कि ये कहें वो तो जल्दी सभी पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा है। तो ये ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे, कम कर देंगे तो कम एनर्जी स्ट्राइक करेंगे। इसमें कूलेंट यूज करते हैं, यदि अंदर में या तो रिंग बना लीजिए कूलेंट की तरह, लोग ऐसे भी यूज करते हैं। पाइप है ये, यहां पे पंप है, ये क्यों यूज किया जा रहा है पता है, ये कूलेंट, क्योंकि इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि यदि कूलेंट यूज नहीं करेंगे कॉपर पिघल जाएगा, इतना ज्यादा एनर्जी हीट निकलता है उसमें से।
पूरा सेटअप यही है जो आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सरे जो यहां से स्ट्राइक करने से जो एक्सरे निकलेंगी, जो एक्सरेज निकलेंगी वो एक्सरे के ऑर्डर के ही क्यों होती हैं? एक सेटअप समझ में आ गया आप लोगों को? तो जल्दी से सेटअप पहले बना लो, एक्सरे एक्सपेरिमेंट सेटअप। जल्दी जल्दी से इस सेटअप को बना लो, क्योंकि जो कुछ आप देख रहे हैं ना सब कुछ इसी में है। आपको पता है कि पैराग्राफ के नाम पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ में थर्मोडायनामिक्स यूज कर सकते हैं, पूरा मॉडर्न तो यूज ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। और जब भी इस तरह का ग्राफ कुछ आएगा कहीं पे लिखा हुआ, और चाहे कोई क्वेश्चन आएगा बहुत कुछ बोला हुआ, तो घबराना मत, आराम से पढ़ना और मेरा इस लेक्चर को याद करना आपको बड़े आराम से। और मॉडर्न में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, आराम से हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब है ये, ताकि इलेक्ट्रॉन एयर से ना टकराए, एयर मॉलिक्यूल से ना टकराए, सीधा एक्सेलरेट हो वहां से, फिलामेंट से इमिट हो तो जाके सीधा टारगेट मेटल को स्ट्राइक करे। ये जो लिखा हो इसको लिख सकते हो, टारगेट मेटल। ये सब वर्ड जानना, फिलामेंट, टारगेट मेटल, कूलिंग ट्यूब, ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब वर्ड्स में लिखा हुआ आएगा तो कहेगा ये हो रहा है ऐसे, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहां पे क्या बोल रहा है। तो सबका नाम भी जानना जरूरी है, तो नाम भी लिख लीजिएगा। कूलिंग ट्यूब कहते हैं इसे, सबसे पहले सेटअप को उन्होंने ही बनाया था, उन्हीं के नाम पे है ये। वैक्यूम इसलिए है ताकि वो एयर मॉलिक्यूल से ना लड़े। फिलामेंट है जिसको हीट करके इलेक्ट्रॉन इमिट कराते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराते हैं ताकि एक्सरे प्रोड्यूस हो सके। हाई वोल्टेज लेंस का, लेंस कहाँ है यार? ये वाला, ये रिफ्लेक्टर है यार, लेंस नहीं है ये। क्या चीज? ये कोई हमें लगता है कि जो एब्जॉर्ब ना करे ऐसे मेटल होंगे, सील्ड वर्ड या कुछ ऐसे मेटल होंगे जो एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ना करते हैं, है ना, किसी मेटल का वो जो एब्जॉर्ब ना करे। कॉनकेव रिफ्लेक्टर, अब वो इक्वेशन देखते हैं जिनको यूज करके हम लोग एक्सरे को, एक्सरे के ग्राफ को रियलाइज करेंगे, पढ़ेंगे ना। वो देखो, तो इसी के बगल में मैं ग्राफ बना देता हूं। इंटेंसिटी, इसको आप डीएम बाई डी टी भी कर सकते हैं, डीएम बाई डी टी टाइप का, और ठीक है,
इसका जो ग्राफ है ना यहाँ से जो इमिट हो रहे हैं उसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्राफ है जिसको लेके ही बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं, वो ये ग्राफ है। समझते हैं कि आखिर ये ग्राफ कैसे बना। यहां पे भी छोटा छोटा हो सकता है। वैसे अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ देखोगे ना तो इसको इसको लोग ये सब नहीं बनाते हैं, ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो केवल यही यही वाला बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इस ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक को समझ के जो इसका यूज हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे कि एक्सरेज के कहां कहां ब्रैग्स लॉ हो गया, मोसलेज लॉ हो गया, इसके यूजेस डिफरेंट फील्ड्स में क्या होते हैं वो जान जाएंगे। अभी जितना चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यदि इसको ध्यान दे ले तो ये आप मान के चल सकते हैं इस चैप्टर का 90% है, 10% बचेगा इसको जानने के बाद। एक सेक्स में वो बता रहा हूं लेमडा है, ये लेमडा मिनिमम है। लेमडा के अल्फा, लेमडा के बीटा, ये वाला लेमडा के अल्फा है, लेमडा के बीटा है, इसी तरह इधर भी है, इसके आगे भी है, बहुत सारे छोटे छोटे सांप इस तरह के केसेस मिलेंगे। हम लोगों को सबसे ज्यादा संख्या में मिलता है वो ये देखो, ये वाला है, ये इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ रेज हैविंग पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये वाला बता रहा है, ये वाला और कम है। ठीक है, इसके पीछे कोई भी नहीं मिलेगा लैम्डा मिनिमम, उस कौन से इक्वेशन से लेमडा मिनिमम आता है वो समझते हैं ना, ध्यान सुनना। चलो देखो तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही है, मोर और लेस, फोकस करना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिया इलेक्ट्रॉन और जितनी एनर्जी से निकला, बात मत करो यार, तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो, एक तो हो गया है मास्क वाला हो गया इधर। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला नेग्लिजिबली स्मॉल एनर्जी से, जिसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये जो एक्सेलरेट होने वाला है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है वो। तो ये निकलेगा, आके इसको स्ट्राइक करेगा, पॉसिबिलिटी सुनो क्या क्या होगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जब आके स्ट्राइक करेगा ना इस मेटल प्लेट को, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करता होगा तो वो जाके बहुत सारे नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं एटम से, इससे उससे उससे इससे उससे, है ना, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं हर इलेक्ट्रॉन के। उस कोलिजन में दो तरह की बातें होती हैं, ध्यान से सुन लो। वो जाके या तो एटम से ही टकरा जाएगा, एटम से टकराने का मतलब सीधा न्यूक्लियस, पूरा एटम से टकरा जाएगा, उसको वेलोसिटी मिलेगी तो एटम दूसरे एटम को मार देगा, फिर वो दूसरे एटम को मार देगा, इस तरह से सारी पॉसिबल एनर्जीज रेडिएट होती हैं इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरा एक चांस है, चांस क्या होता ही है, इलेक्ट्रॉन जाए और एटम के केस सेल के इलेक्ट्रॉन को मारे। एक तो अपने कितना एनर्जी है वो भी तो ध्यान दो, केस सेल के इलेक्ट्रॉन को मारे, उसको भी भगा ले जाए अपने विभागे, एल सेल को मार दे, एम सेल को मार दे। समझने की कोशिश करो, यही सब चीजें लिखी रहेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, इसी पे हमें फोकस करना होगा कि हो क्या रहा है। फिर सुनो, ये इलेक्ट्रॉन निकले जाए, ये बहुत सारे एटम से ही ये मेटल बना होगा,
बहुत सारे एटम्स के लेयर्स होंगे, वो टकराएगा, एक एटम को धक्का मारेगा, कितनी एनर्जी से मारेगा देख लो, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से मारेगा। वो मारेगा तो उसको कुछ वेलोसिटी मिलेगा एटम को, लेकिन ऐसा तो नहीं कि लिक्विड है गैस है कि भाग जाएगा, वो तो फिक्स्ड है। तो पीछे वाले को मार देगा, वो पीछे वाले को मार देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन डेविएट होके दूसरी जगह दूसरे भी एटम को मार रहा होगा। तो एक तो ये सारे कोलिजन्स होंगे, एक और कोलिजन होगा जो सीधा न्यूक्लियस की पॉसिबिलिटी जो सबसे ज्यादा थी वो नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को मार के निकाल दे, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। नॉकआउट वर्ड भी सुन लो जो बातचीत में आएगी, केस शेल के इलेक्ट्रॉन को मारे निकल जाए वो बाहर, आपने तो बाहर भागेगा ही क्योंकि बहुत एनर्जी उसके पास। भाई किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए मॉलिब्डन और टंगस्टन के एनर्जीज कितनी होती होगी, निगेटिव में होती होगी, बाहर जाने के लिए उसके साथ में रहती होगी तो रहता हुआ इलेक्ट्रॉन तो कितना एनर्जी होता होगा। अरे हाइड्रोजन में -13.6 होता है, तो इसमें मान लो -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, -200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब कौन सा वाला जाके मार रहा है वो भी तो देख लो, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जाके मार रहा है उसको। तो एक तो वो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही जो उसके साथ में एटम के साथ होगा, और खुद भी निकलना तय है, इतना भी एनर्जी लूज नहीं करने वाला, नंबर ऑफ कोलिजन होंगे तब लूज करने वाला है। एक तो ये पॉइंट है, अब सुनो ध्यान से, इसकी संख्या देखो, लेमडा मिनिमम की संख्या देखो जीरो है, वो सुनो जीरो क्यों है, इसी का एनालिसिस हो रहा है जो फोटो है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके स्ट्राइक करेगा तो माना कि बिना एनर्जी लूज किए हुए ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में फोटॉन रिलीज करते, जो कि संभव लग नहीं रहा है। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से फोकस करो मेरी बात पे। कितना एनर्जी ये लिया यार, देखो तो कितना एनर्जी लिया, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, HC/λ में ना। और वो भी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ये तो होता ही रहेगा साथ में। यदि मैं इसको के मैक्स कह दूं, ध्यान से, यदि मैं कह दूं कि जितना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास था स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ही सिंगल फोटॉन में रिलीज करे, जाते ही पूरी एनर्जी रिलीज कर दे फोटॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में पूरी एनर्जी, तो बताओ कितनी एनर्जी इसके पास होगी, बताओ, ईवी HC/λ मिनिमम, सही है। व्हाट इज लेमडा मिनिमम, HC/ev। अच्छा ये मिनिमम क्यों कह रहे थे मालूम है, यदि मैं सिंपल से इक्वेशन लिखूं, कर दूं ऐसे लिख लेता हूं, कह देता हूं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बराबर HC/λ ना, एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है इसमें कन्वर्ट हुआ, तो बताओ लेमडा क्या लिखोगे, HC/ev एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं कहूंगा लेमडा मिनिमम कब होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम होगा। लेमडा मिनिमम कब होगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैक्सिमम कितना पार्ट हो सकता है, पूरा का पूरा। लेकिन समझो जरा, क्या इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करे, या क्या यह संभव है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे जाके रेस्ट में आ जाए और पूरा एनर्जी ही खत्म हो जाए, सीधा सिंगल फोटॉन में कदे निकल गया। बताओ कितनी संख्या होगी इस तरह की, जीरो। तो वही जीरो है, जीरो संख्या। लेकिन वैल्यू तो लिखना पड़ेगा वहां पर, ये तो वैल्यू लिखने के नाम पे बस लिखा है, हालांकि होता होता नहीं है। सो कैलकुलेशन के लिए तो ठीक है, कैलकुलेशन के लिए क्यों ठीक है, क्योंकि हम इसे बोलने वाले हैं कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जल्दी से लिखो इसको, इसको हम लोग क्या भी कहते हैं,
कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड, जल्दी से लिख लो, कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, क्योंकि इससे कम संभव नहीं है। कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यदि हम लोग इस अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट को और इसको इसके ग्राफ को समझ लें, तो आप अपने से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो आ चुके हैं, और चाहे एग्जाम में आप वो कर लेंगे जो आएगा। तो लेमडा मिनिमम कैसे डिफाइन हुआ, समझ में आया? लेमडा इज एच सी बाई एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कितना, अच्छा मैक्सिमम एनर्जी तो मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी कितना कन्वर्ट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही वाला हा? तो ज्यादा से ज्यादा यही वाला दिखा ना, यही वाला है। तो एक इक्वेशन तो ये है जो रियली में हमें जरूरत थी, ये वाला लेमडा मिनिमम। अब हमको जल्दी से बताओ लेमडा मिनिमम, बस यही से बताओ, एक्सपेरिमेंट सेटअप से और लेमडा मिनिमम से, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स तुम बताते हो जो किताबों में होंगे, बताओ लेमडा मिनिमम कह लो, कट ऑफ वेवलेंथ कह लो, चाहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह लो, किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे, किस पे? इस पे, किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे, इक्वेशन से साफ दिख रहा है ना? एक तो ये पॉइंट है। अब सुनो ध्यान से, ये वाला आगे पीछे कब होगा, समझ में आ गया? ये यदि मैं कह दूं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में बढ़ा दिया, तो बताओ इसका क्या होगा? और इधर शिफ्ट हो जाएगा, घट जाएगा ये। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि घटा दिया तो बढ़ जाएगा, बाकी सब पे प्रभाव इन सब पे अभी नहीं पड़ेगा। अब सुनो, दो तरह के एक्सरेज इसमें देखने को मिलेंगे, ध्यान सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत पॉपुलर दो वर्ड्स हैं इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और कॉन्टिन्यूअस। ये जो दिख रहा है ना, ये सारा वेवलेंथ पॉसिबल है। देखो ऐसा कोई भी वेवलेंथ नहीं है इधर का जो पॉसिबल ना हो। कितना तक वेवलेंथ पॉसिबल है? इनफाइनाइट तक। कितना तक? ये इनफाइनाइट तक बात क्यों हो रही है? हालांकि इसे एक्सरे नहीं कहेंगे, विजिबल रेंज में अब जा रहा है धीरे धीरे, फिर इंफ्रारेड में चला जाएगा, फिर रेडियो वेव में भी चला जाएगा आगे। ये कौन से वाले हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो दिख रहा है इसे कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको जो ये दिख रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से लिख लो, ये दो वर्ड इतने पॉपुलर हैं इस चैप्टर के, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब सुनो फिर से, इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सारा तरह का वेवलेंथ डिसकंटिन्यूटी क्यों नहीं है, इसलिए इसका नाम कॉन्टिन्यूअस है। हर तरह का, हर वैल्यू वाला लेमडा क्यों मिला, हर वैल्यू वाला लेमडा क्यों मिला, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि गैप हो गया? सारा लेमडा क्यों मिला, क्यों मिला लेमडा मिनिमम से लेकर इनफाइनाइट तक क्यों मिला? ध्यान से याद है, जब इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक किया था, तो इलेक्ट्रॉन जाके धक्का मारा था एटम को, एटम दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और जितने एटम्स थे उनके अपने एनर्जी के लेवल्स थे, सारे एटम एनर्जी लेवल
सारे एटम के अपने अपने एनर्जी लेवल मिल गए थे, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, अलग अलग एनर्जी के ट्रांजिशन का लेवल बन गया था, क्योंकि एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पूरा मैटर में तो बहुत सारे एटम होते हैं, किस ऑर्डर में एटम होते हैं, 10^23 अवोगाड्रो वाला, तो उनके एनर्जी लेवल्स मिल गए, सारे तरह के एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन बन चुका है, हर तरह के एनर्जी के डिफरेंस का ट्रांजिशन वाला बन चुका है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर और हीट जनरेट हो रहा था, एक दूसरे को मार रहे थे, इसका मतलब सारे एनर्जी वाले ट्रांजिशन पॉसिबल हो गए थे, मिक्सिंग ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स। फिर सुनो क्या बोल रहा हूं, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार, नीचे ऊपर, चारों तरफ एटम ही एटम, सबके अपने एनर्जी ऑर्बिटल्स मिल गए हैं, ये इमेजिन कर पा रहे हो? अच्छा, सबके एनर्जी ऑर्बिटल्स मिल गए होंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि डिस्क्रीटनेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है? एक एटम लेते हैं तो डिस्क्रीट लगता होगा, लेकिन ये इस एटम के ये, इसके ये, इसके ये कुल मिल गया होगा, तो सारा एनर्जी लेवल की मिक्सिंग हो गई होगी, तो हर तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हो गए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन हर एक के लिए डिफरेंस के लिए पॉसिबल हो गया होगा, तो अच्छा किस फॉर्म में ये जो हीट जनरेट होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस फॉर्म में, और कितने तरह की एनर्जी रिलीज करेगा हर तरह के ट्रांजिशन की, वही वाला हर तरह का लैम्डा है देखो, लेकिन ये इससे ज्यादा एनर्जी वाला संभव, अच्छा इससे ज्यादा एनर्जी वाला, इससे ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी तो संभव है, लेकिन ज्यादा एनर्जी वाला मैक्सिमम फोटोन वाला एनर्जी कितना हो सकता है, जितना ये वाला होगा क्या उससे भी ज्यादा चाहोगे तो कहां से हो जाएगा, कम तो हो सकता है, कम तो हो सकता है, ज्यादा कहां से हो जाएगा, तो देखो इससे ज्यादा एनर्जी कह लो चाहे इससे कम वेवलेंथ, दोनों एक ही बात है, क्लियर हुआ? ये वाला समझ में आया? अब अगला पॉइंट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ध्यान सुनना, क्योंकि यही दो बातें बहुत ज्यादा इसमें आती हैं, थोड़ा समझ में कम आता है, ये कौन से वेवलेंथ वाले हैं वो समझने की जरूरत है, ये आपके ना ही इस पे डिपेंड करते हैं ना ही इस पे करते हैं, ये केवल और केवल ये जो मेटल यूज किए हो, टारगेट मेटल जिसको जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने वाले हैं, टारगेट मेटल टंगस्टन, मॉलिब्डन, चाहे कोई भी आप यूज करें, टाइटेनियम, चाहे जो भी आप यूज कर रहे होंगे, केवल इसीलिए इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, क्यों वो सुनो आप ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेट हुआ और जाके एटम के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, उसमें से गया और मारा एक इलेक्ट्रॉन को, धक्का उसको उड़ा दिया वहां से, नॉकआउट, और अपने तो भाग ही गया होगा क्योंकि उसके पास तो बहुत एनर्जी थी, और उसको भी उड़ा दिया क्योंकि उसे तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, वो भी 100 बहुत ज्यादा होता रहा, 45 इलेक्ट्रॉन, -45 मानिए, -60 ऐसे मानिए, -30 मानिए, उसको भी उड़ा दिया, अपने भी चला गया, लेकिन अब क्या हुआ, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक को मार के उड़ा दिया, अपने भी उड़ गया, अब वो एटम हो गया अनस्टेबल, क्योंकि उसके शेल्स तो पूरे है नहीं, अनस्टेबल हुआ वो इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और चीज ध्यान सुनो, न्यूक्लियस के जितना ही करीब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, उतना ही पोजीशन फिक्स होता है, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होके आ रहे हैं तो एटम के पास में न्यूक्लियस के करीब सबसे ज्यादा करीब कौन सा शेल होता है, के, तो सबसे ज्यादा फिक्स पोजीशन वही वाला लग रहा है, बाकी तो बहुत तेजी से रिवॉल्व करेंगे, बड़ा दिक्कत हो रहा है, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा चांस किसकी उड़ाने की है, यही रीजन है कि सबसे ज्यादा के वाला मिलता है, देखो ये वाला के बीटा वाला,
अभी हम लोग पढ़ेंगे कि के नाम क्यों पढ़ा, एल नाम क्या है, एम नाम क्या है, एन नाम क्या है, पढ़ेंगे अगले क्लास में। फिलहाल सुन लो, अगले क्लास में इसी को कंटिन्यू करके फिर और भी पढ़ लेंगे। तो के वाला क्यों सबसे ज्यादा संख्या मिल रहा दिख रहा है तुम लोगों को, और बाकी ये छोटा छोटा ना बाकी सब है। तो के शेल वाला सबसे ज्यादा चांस था कि उसी को उड़ाएगा। दूसरा सुनो पॉइंट, जैसे ही के को मार के उड़ा दिया, एटम हुआ अनस्टेबल। अब उसकी स्टेबिलिटी के लिए दावेदारी पेश करने वाले हैं एल वाले इलेक्ट्रॉन, एम वाले शेल वाले, एन वाले, ओ वाले, पी वाले, राइट। अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, दो, एक उड़ा दिया गया। अब उसको स्टेबल करने के लिए एल में से उड़ के भाग के आता है एक इलेक्ट्रॉन। तब तक एम कहता है कि इससे पहले कि एल वाला आए तब तक एम वाला आगे भर जाता है उसमें। कितने लोग दावेदारी पेश कर सकते हैं, बहुत सारे। एल वाला कहेगा हम जाके उसको स्टेबलाइज करेंगे, एम वाला कहेगा हम जाएंगे। इसी पे आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है कि हाउ कैन गॉड प्ले अ डाइस विद दिस वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तक ये ऑर्डर भी मालूम नहीं है कि रियली में कौन सा पैटर्न है कि जाके कह देगा कि हम भर देंगे। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा दावेदारी किसकी लगती है, पास वाले की। एल कहेगा हम जाके भर देंगे, जाके भर दिया तब क्या खाली हो गया, एल वाला। तो एल वाले कहेगा कि एल वाला कोई भरेगा, सबसे ज्यादा कौन, एम वाला, तो फिर वो खाली हो गया होगा। लेकिन एक चीज है, ध्यान से सुनो, जब एल वाला के वाले को भरने जाएगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, वो रेडिएशन होगा। और किस ऑर्डर का होता है, वो होता है एक एंगस्ट्रॉम वाले ऑर्डर का, तो एक्सरे कहेंगे। और जो फोटो में देखे थे ना एक्सरे निकलता हुआ, वो यही वाला होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है। सबसे 99% हीट वाला तो कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देखो ना 99% वाला कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देखो कितनी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सबसे ज्यादा संख्या कौन सी वाली होती है, कैरेक्टरिस्टिक वाले, और कैरेक्टरिस्टिक्स केवल और केवल एटम कौन सा यूज हुआ इस पर डिपेंड करता है। यही रीजन है कि तुम इसके पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को घटा बढ़ा लो तो तुम इसको आगे पीछे कर लोगे, लेकिन ये तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि ये वाले जो एक्सरेज निकलते हैं वो कौन से वाले हैं, फिर याद दिला देता हूं, ये एनर्जी डिफरेंस वाला, ये एनर्जी डिफरेंस वाला है, एल और के वाला है, एटम का एल और के वाला है, कौन वाला है, ये तुम्हारे इसके बस में नहीं है और इसके बस में नहीं है, वो एटम का है। वो जाके इलेक्ट्रॉन एटम के सेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के उड़ा दिया था, तो एल वाला आया था, वो जो एनर्जी डिफरेंस है वही वाला है, ये तुम्हारे बस में नहीं है। तो ये जो उठे हुए जो खरगोश का कान की तरह दूठो दिख रहा है तुम्हें, ये उसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। अचानक शार्प राइज होता है नंबर्स में, जिसको हम लोग जो यूज करते हैं अपने लाइफ में बोन्स का फ्रैक्चर वैक्चर पता करने के लिए, वो यही वाले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या यही वाले तो निकलती होगी। अब हम लोग अगले क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर के अल्फा लेमडा के अल्फा नाम क्यों पड़ा, के नाम क्यों पड़ा, समझ में आ गया, के को भरने के नाम पे के होगा। हल्का सा आइडिया भी देता हूं, के को भरोगे तो के होगा, और एल खाली हो गया था तो एल को कोई भरने आएगा तो उसका नाम क्या रख देंगे, तो एम खाली, कोई और खाली हो गया होगा, तो जिसको भरने के लिए कोई आता है उसके नाम पे के पड़ता है। और अल्फा बीटा गामा जानते हो किस नाम पे पड़ता है, मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। एक तो जिसमें भरने के लिए जाता है उसके नाम पे के एल एम एन होता है,
और जस्ट बगल वाले से आता है तो अल्फा नाम रखते हैं, और उसके बगल वाले से तो जैसे मान लो के खाली हो गया, एक ठो आया मार के उड़ा दिया, दो में से एक उड़ा दिया तो के खाली हो गया। अब मान लो के खाली होगा तो एल में से कूदा, एल में कट होते हैं आठ, तो उसमें से कूदा भरने के लिए, तो उसमें से कूदेगा भरने के लिए तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो के में कूदा तो लेमडा के कहेंगे, क्या कहेंगे, और एल बगल वाले से आया है तो अल्फा कहेंगे। अब मान लो के को भरने के लिए ए एल एम, एम से आया के एल एम, एम से आया तो बीटा, लेमडा के बीटा, खोपड़े में बैठ रहा है। अच्छा मान लो के को भरने के लिए एल से ना आए, एम से ना आए, एन से आए तो लेमडा, और के नाम क्यों पड़ेगा समझ में आ रहा, और गामा। अच्छा मान लो एल वाला एक खाली है, के एल एम, एल वाला खाली है और एम से आया तो क्या नाम रखोगे उसका, लेमडा एल अल्फा, समझ में आया। चलो फिर आगे कंटिन्यू करूंगा, ओके थैंक यू।